सर्दियों में हमें क्या चाहिए? नेचर का साथ, खिलखिलाती धूप और एक कड़क मसालेदार चाय। और दिल्ली में हमें ये एक ही जगह मिलती है और वो है त्रिवेणी कैफे। वेलकम टू ट्रैवल सूत्रा सुमन्स पे। और ट्रैवल सूत्रा सुमन्स पे आज आपको लेके आया है त्रिवेणी कला संगम के टेरेस कैफे। त्रिवेणी कला संगम है मंडी हाउस में और उसके ग्राउंड फ्लोर के टेरेस पर बना है ये खूबसूरत सा टेरेस कैफे जो विंटर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर आप आर्ट लवर है देन दिस प्लेस इज परफेक्ट फॉर यू, क्योंकि ये है द सेंटर ऑफ द आर्ट। आर्ट गैलरीज, म्यूजिक रूम्स, पेंटिंग स्टूडियोज, स्कल्पचर वर्कशॉप और क्या कुछ नहीं मिलेगा आपको यहाँ। तो हमने अपनी सीट ले ली है और ये है इसका मेन्यू। मोस्टली जो चीजें हैं वो 200 से 300 के बीच में है। जस्ट हैव अ लुक। वैसे यहाँ सीटिंग के दो ऑप्शन हैं, एक तो है ये ओपन में और सेकंड इनकी इंडोर स्पेस भी है। This cafe is not too spacious but very cozy and warm. Winters में खिलखिलाती धूप को enjoy करना हो तो उसके लिए तो perfect है ही। साथ ही अगर आप sunset person हैं, then winters में evening में एक बार यहाँ जरूर visit करना, मजा आ जाएगा। और ये है हमारा पहला order। पूरा फिनिश करने के बाद मेन्यू दोबारा देख रही है, कुछ और मंगाना है, पेट नहीं भर रहा है इसका। अब बारी है इस कैफे को रिव्यू करने की और सबसे पहले रिव्यू में हम बात करेंगे एम्बियंस की। तो नो डाउट यहाँ का जो एम्बियंस है वो बहुत अच्छा है, बहुत शांत है और नेचर के क्लोज है, तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। और सर्दियों में तो बिल्कुल आएगा, चाहे आप शाम को आएंगे तो सनसेट का मजा ले सकते हैं और अगर दिन में आएंगे तो खिलखिलाती धूप का। तो एम्बियंस की तो बात हो गई, अब एम्बियंस के बाद बात कर लेते हैं सर्विस की। तो यहाँ आने से पहले, जैसे कि हम सब करते ही हैं, कोई भी नए कैफे जाने से पहले हम उसके रिव्यूज़ पढ़ लेते हैं। तो हमने भी इसे काफ़ी सारे रिव्यूज़ पढ़े थे, उसमें एक चीज़ खास तौर पर मेंशन थी कि यहाँ पर जो सर्विस है वो काफ़ी स्लो है, लेकिन हमें सर्विस कहीं से भी स्लो नहीं मिली। इनफैक्ट हमने जो भी ऑर्डर किया वो ऑन टाइम हमें डिलीवर हुआ है। तो सर्विस यहाँ पर स्लो नहीं है, लेकिन हाँ टेबल के लिए आपको वेट ज़रूर करना पड़ सकता है। हम वीक डेज में आए हैं लेकिन यकीन मानिए हमने 15 मिनट यहाँ पर अपने टेबल के लिए वेट किया है। तो सर्विस यहाँ की अच्छी है, स्टाफ यहाँ का अच्छा है, बस वेटिंग का आपको ध्यान रखना होगा। और अब सर्विस की बात हो चुकी है, एम्बियंस की बात हो चुकी है, अब बात कर लेते हैं यहाँ के खाने की। तो खाने में हमें आते ही बहुत तेज भूख लगी थी, तो सबसे जल्दी जो डिलीवर हो सकता है हमने वही ऑर्डर किया, पालक पत्ता चाट, नींबू पानी और जलजीरा। और ये तीनों ही चीज़ काफ़ी टेस्टी थी। नींबू पानी और जलजीरा में मुझे नींबू पानी बेटर लगा, लेकिन हाँ मेरे हस्बैंड को जलजीरा ज़्यादा बेटर लगा। और बात करें अगर पालक पत्ता चाट की, तो पालक पत्ता चाट बहुत टेस्टी है, इसे मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करने वाली हूँ। मेन कोर्स में हमने ऑर्डर की थी थाली, नॉनवेज थाली, जो मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने इंजॉय की है, तो वो बताएंगे कि ये थाली कैसी थी। इंजॉय नहीं की है, मतलब खाई मैंने ज़्यादा है और बेसिकली बहुत वाव टेस्ट नहीं बोलूँगा, इट वाज एवरेज, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं था। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना पसंद है तो शायद आपको ये पसंद नहीं आएगी। मैं वैसे बहुत ज़्यादा मसालेदार खाने का शौकीन नहीं हूँ, इसीलिए मुझे ये थाली ठीक लगी। हाँ, नमक थोड़ा सा कम था सब्जी में, बट इट वाज गुड, घर के खाने के बिल्कुल, हाँ होम कुक्ड मील की तरह थाली थी। तो आपको अगर घर का खाना पसंद है तो अच्छे रेट में आपको यहाँ पे नॉनवेज थाली मिल जाएगी। तो मैंने थाली बहुत ज़्यादा नहीं खाई क्योंकि मुझे हल्का फुल्का खाना था, तो मुझे भूख लगी थी, इसलिए हमने दोबारा से ऑर्डर किया ऑमलेट बन और मीठे में ऑर्डर किया स्पाइसी कैरेट केक और मसाला चाय। तो शुरुआत करूँगी मैं मसाला चाय से, जिसकी शुरुआत में मैंने कहा था कि सर्दियों में हमें मसाला चाय चाहिए होती है, लेकिन ऐसी मसाला चाय नहीं चाहिए, बहुत 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 बुरी थी, मतलब इससे बुरी शायद मैंने मसाला चाय और कहीं नहीं पी है। बहुत ज़्यादा ही कड़क थी कि वो कड़वा टेस्ट उसका हो गया था और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और मैंने उसे छोड़ा है। इसके अलावा जो ऑमलेट बन था वो टेस्टी था, डिसेंट टेस्ट था उसका, बहुत वाओ भी नहीं कहूँगी मैं, लेकिन अच्छा था, दैट वाज गुड। और वो उसकी क्वांटिटी इतनी थी कि हमें पैक करवा के आधा पीस वापस ले जाना पड़ रहा, बिकॉज़ मैडम खत्म नहीं कर पाए।
और मीठे में जो स्पाइसी कैरेट केक फर्स्ट टाइम हम लोगों ने वो पूरा लपेट गई, वो पूरा लपेट गई, वो बहुत टेस्टी था। यहाँ आए तो मीठे में बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, बीटरूट हलवा है, कैरेट केक है और ब्राउनी है। तो हम आपको यही कहेंगे कि कैरेट केक अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो उसे ट्राई करें। तो एम्बियंस की बात हो गई, सर्विस की बात हो गई, खाने की बात हो गई, अब बात करते हैं ये जगह कितनी पॉकेट फ्रेंडली है, तो कैसे लगे? वेल, अगर क्योंकि हर बारी पॉकेट को मेरी खाली होती है, मेरी ढीली होती है, तो मेरे को ही निकालना पड़ता है। तो उस सेंस में अगर हम जाएं तो मैं बोलूँगा ऐसी जगह ही हर बार आना चाहिए, बिकॉज वेरी मच पॉकेट फ्रेंडली। और अगर ऐसी जगह ही बार बार ढूंढती रहेगी तो मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं है। बट दी ओनली चैलेंजेस कि जब भी ऐसी जगह हम आते हैं तो वहाँ पे मैडम अपना बिल बोलती है कि मैं पे करूँगी, क्योंकि फिर ताकि बाद में ये बोल सके कि कहीं कहीं पर मैंने भी बिल पे करा है। बट आइडली अगर मेरे से जब बिल पे करवाना है, मेरे से बिल पे करवाना तो यहाँ आना चाहिए। हस्बैंड को ट्रीट देनी हो तो डेफिनेटली आप टेरेस कैफे आ सकते हैं, जो उसका एम्बियंस है रोमांटिक तो है ही, और साथ ही साथ आपके पॉकेट पे बहुत ज्यादा जो है बर्डन नहीं पड़ेगा और खाना भी यहाँ का अच्छा है। तो हमारा जो बिल आया वो अप्रोक्स 1400 आया, और हमने जितनी क्वान्टिटी में खाया है आई गेस अच्छा खासा बिल है, ये सही है। बच्चा हुआ लेकर भी जा रहे हैं पैक करवा के, सो व्हिच मींस अच्छी खासी क्वांटिटी में था, तो इसीलिए खाने के लिए यहाँ पे बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर टेरेस कैफे की बात करें, त्रिवेणी टेरेस कैफे की, तो ये कैफे डेफिनेटली आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ के एम्बियंस के लिए, यहाँ के खाने के लिए, और पॉकेट फ्रेंडली है, आप आ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप त्रिवेणी कैफे ये वीडियो देखने के बाद आते हैं, या अगर आप त्रिवेणी कैफे पहले भी आए हैं, तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप ट्रैवल सूत्रा सुमन पे पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, नहीं तो इस तरह की वीडियोस आप तक कैसे पहुँचेंगी। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।